जीटी वर्सेस एसआरएच का मैच रद्द होते कॉन्स्टेबल में आरसीबी को मिली बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और क्या है यहाँ पे आरसीबी के लिए बड़ी खुशखबरी कॉन्स्टेबल में, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी हैं आरसीबी के फैन और अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीबी की टीम प्लेऑफ में प्रवेश करे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भाई आज यहाँ पे आईपीएल 2024 का 66वां टी20 मैच खेला जाना था, लेकिन ये मुकाबला जहाँ पे एक तरफ हैदराबाद और गुजरात की टीम थी, लेकिन इस मुकाबले में बारिश ने खलल पैदा कर दी और ये मुकाबला अबॉन्डेड यानी कि रद्द कर दिया गया। इसी के साथ साथ जहाँ गुजरात टाइटंस की टीम तो बाहर हो ही चुकी है, तो वहीं यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ, दरअसल अब यहाँ पे जो तीन टीमें टॉप पर हैं, जो प्लेऑफ कर चुकी हैं, केकेआर की टीम है, राजस्थान की टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पे आपको बता दें कि भैया अब आरसीबी टीम को इस मैच के बाद बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है, क्योंकि आरसीबी की टीम ने अब तक अपने कुल यहां पे 13 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में 12 अंक है और उनका नेट रन रेट भी प्लस 0.387 का है। और अब ऐसे में जो आरसीबी का अगला मुकाबला होगा वो चेन्नई सुपर किंग के साथ होने वाला है, और ऐसे में अगर यहाँ पे आरसीबी की टीम चेन्नई सुपर किंग की टीम को एक बड़े अंतर से हरा देती है। जी हाँ, दरअसल आरसीबी के यहाँ पे आपको बता दिए कि कुल 12 अंक है पॉइंट टेबल में, तो सीएसके के यहाँ पे 14 अंक है, और ऐसे में आरसीबी की टीम को यहाँ पे सीएसके की टीम को बड़े अंतर से यानी कि आपको बता दें कि 18 या 20 रनों से हराना होगा। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे सीएसके की टीम पहले यानी कि आपको बताए गेंदबाजी करके यहाँ करती है, तो उसको ये मुकाबला 18 ओवर में ही खत्म करना होगा। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे आरसीबी के पास अब हैदराबाद की टीम यानी कि इस मैच को रद्द होने के बाद एक बड़ी खुशखबरी ये मिली है, अगर केवल यहाँ पे सीएसके को हरा देती है तो आसानी से आरसीबी की टीम प्लेऑफ में प्रवेश कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आरसीबी की टीम प्लेऑफ में कर पाएगी, सीएसके को हरा पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।